गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं लोगों के लिए ये बारिश आफत भी बनकर आई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बारिश के बाद जो जाम है वो लग गया है हाईवे के ऊपर। आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं ये दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं और पूरा जो जाम है वो लग गया है। सारी जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। काफी लंबा ये जाम है, करीब 4 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जाम है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट होता है दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर वहां से लेकर के और हीरोंडा चौक तक का जो पूरा एरिया है वो एक तरह से पूरा जाम है। अगर आप देखेंगे इसकी सर्विस रोड के ऊपर भी अगर आप देखेंगे हाईवे के ऊपर तो किस तरह से पानी भरा हुआ है और ये जो पूरा पानी है ये आगे चल करके हाईवे के ऊपर भी आ गया है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि पंप के जरिए इस पानी को निकाला जाए। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उसको जगह जगह तैनात किया गया है कि अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब होती है तो उसे क्रेन के जरिए हटा दिया जाए ताकि ज्यादा देर तक ये जाम ना रहे। लेकिन जिस तरह का जो समय है, जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से कुछ देर बाद जब दफ्तरों की छुट्टी होगी तो जाहिर सी बात है कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो जाम की स्थिति है वो और ज्यादा विकराल हो सकती है। इसलिए जो भी लोग कम से कम अपने दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो वो कम से कम पहले ही प्लान कर लें कि जिस तरह से बारिश गुरुग्राम में हुई है और अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में कई जगह पर जल भराव हुआ है। हालांकि हर बार प्रशासन ये दावा करता है कि जल भराव नहीं होगा, लेकिन अब एक बार फिर से जब बारिश हुई है गुरुग्राम में तो जल भराव हुआ है और इसी जल भराव की वजह से जगह जगह जाम भी लग गया है। गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद जहाँ मौसम सुहाना हुआ वहीं लोगों के लिए ये बारिश आफत भी बनकर आई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बारिश के बाद जो जाम है वो लग गया है हाईवे के ऊपर। आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं ये दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं और पूरा जो जाम है वो लग गया है। सारी जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। काफी लंबा ये जाम है, करीब 4 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जाम है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट होता है दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर वहां से लेकर के और हीरोंडा चौक तक का जो पूरा एरिया है वो एक तरह से पूरा जाम है। अगर आप देखेंगे इसकी सर्विस रोड के ऊपर भी अगर आप देखेंगे हाईवे के ऊपर तो किस तरह से पानी भरा हुआ है और ये जो पूरा पानी है ये आगे चल करके हाईवे के ऊपर भी आ गया है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि पंप के जरिए इस पानी को निकाला जाए। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उसको जगह जगह तैनात किया गया है कि अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब होती है तो उसे क्रेन के जरिए हटा दिया जाए ताकि ज्यादा देर तक ये जाम ना रहे। लेकिन जिस तरह का जो समय है, जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से कुछ देर बाद जब दफ्तरों की छुट्टी होगी तो जाहिर सी बात है कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो जाम की स्थिति है वो और ज्यादा विकराल हो सकती है। इसलिए जो भी लोग कम से कम अपने दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो वो कम से कम पहले ही प्लान कर लें कि जिस तरह से बारिश गुरुग्राम में हुई है और अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में कई जगह पर जल भराव हुआ है। हालांकि हर बार प्रशासन ये दावा करता है कि जल भराव नहीं होगा, लेकिन अब एक बार फिर से जब बारिश हुई है गुरुग्राम में तो जल भराव हुआ है और इसी जल भराव की वजह से जगह जगह जाम भी लग गया है।